हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। करंट अफेयर जो होती हैं हर एक एग्ज़ाम में आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे आप रेलवे एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हो, चाहे कोई अदर एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हो, उसके लिए करंट अफेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर आती ही आती हैं। सो हमने स्टार्ट की है आज से, डेली अपडेट करा करेंगे। ये जो करंट अफेयर हैं 10 इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर होंगी एक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WHO की 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में से किस भारतीय शहर को पहला स्थान दिया गया है? चार ऑप्शंस हैं, ए वाराणसी, बी फरीदाबाद, सी कानपुर, डी दिल्ली। तो ये स्थान है ऑप्शन सी कानपुर को है जो 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में से पहला स्थान दिया गया है भारत के शहर को। सेकंड क्वेश्चन है, साबूज सती परियोजना किस भारतीय राज्य को UN समर्थित WSIS पुरस्कार 2019 मिली है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, भारतीय राज्य को है जो UN समर्थित WSIS मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यक्तित्व को लंदन शहर की स्वतंत्रता से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एलिज जी वैधान, ऑप्शन बी अतुल सहाय, ऑप्शन सी MR कुमार, ऑप्शन डी हेमंत भार्गव। तो वो भारतीय व्यक्ति हैं ऑप्शन ए एलिस जी पैधान, जिसे लंदन शहर की स्वतंत्रता से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल की छवि पर कब्जा किया है? ऑप्शन ए जेम्स वेब स्पेस, ऑप्शन बी हबल, ऑप्शन सी EST, ऑप्शन डी स्पिट्जर स्पेस। तो इसका राइट आंसर है सी EST ने है जो ब्लैक होल की छवि पर कब्जा किया है टेलीस्कोप ने। अगला क्वेश्चन है, 2019 के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप किस भारतीय खिलाड़ी को मिली है? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी सानिया नेहवाल, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी दीपू मलिक। तो ये फेलोशिप है जो दीपू मलिक को मिली है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय JMI की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नजमा अख्तर, ऑप्शन बी जहरा निगाह, ऑप्शन सी शरबत जहरा, या ऑप्शन डी शहनाज नबी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नजमा अख्तर को है जो JMI की पहली महिला कुलपति के रूप में है जो नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 7, किस तकनीक की दिग्गज कंपनी ने ही कहीं से भी ऐप चलाने और प्रतिबंधित करने के लिए एक नया ओपन प्लेटफॉर्म इंथोस जिसका नाम है लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट, या ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी फेसबुक, या ऑप्शन डी विप्रो। तो ये कंपनी है ऑप्शन बी गूगल ने इंथोस नाम का ऐप लॉन्च किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने पाइसलो डिजिटल के साथ पहले सह उत्पत्ति स्तरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए बॉल, ऑप्शन बी SBI, या ऑप्शन सी PNB, या ऑप्शन डी बॉब BOB। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी SBI। SBI ने जो पैसलो डिजिटल के साथ पहले अपना जो पहला सह उत्पत्ति स्तरण है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं SBI ने।
प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम NBCC के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनूप कुमार मित्तल, ऑप्शन बी सोदा दास, ऑप्शन सी शिवदास मीना या ऑप्शन डी PS मनी। तो वो व्यक्ति हैं ऑप्शन सी शिवदास मीना को है जो NBBC के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत और किस यूरोपीय देश ने सागा चुनौतियों के समाधान के लिए संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया है? एक तो देश भारत है, दूसरा बताना है यूरोपीय देश है, इसे भी आप गैस कर सकते हो, इटली, स्वीडन, फ्रांस या जर्मनी। तो वो देश है स्वीडन। भारत और स्वीडन देश ने साझा चुनौतियों के समाधान के लिए है जो संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया है। सो गाइस, ये आज की करंट अफेयर थी जो आप सभी एग्ज़ाम में आपके लिए प्रश्न है जो यूजफुल होंगे। ऐसे ही डेली अपडेट करंट अफेयर हमारे जो करते रहेंगे, 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगी, फालतू में जो करंट अफेयर नहीं होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय से रहे जो अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।